In today's video, I'm going to share with you a Nykaa haul. There is all of the products that I bought from Nykaa Pink Summer Sale. बहुत ही कम प्रोडक्ट है जो भी मुझे चाहिए था और रिव्यू के लिए मैंने ज़्यादातर प्रोडक्ट लिया है और बहुत ही कम प्रोडक्ट है जो भी है बस इसमें ही है. सो या वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आई रियली होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल. अगर आपने ये शक्ल पहले कभी नहीं देखी तो मैं बता दूँ, माई नेम इज शर्वानी. आई मेक ब्यूटी लाइफ स्टाइल एंड समटाइम्स अ फैशन कॉन्टेंट. सो या थैंक यू सो मच फॉर बींग हेयर. प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल सो यू गैस गेट नोटिफाइड एवरी सिंगल टाइम आई अपलोड. सो नो फर्दर डू, लेट्स जस्ट जम्प इन टू द वीडियो. सो द फर्स्ट प्रोडक्ट आई बॉट इज दिस मेबेलिन सुपर स्टे 30 आवर लूमी मैट फाउंडेशन विथ SPF 16 एंड आई एम इन द शेड 220. आई फील लाइक दिस इज गोइंग टू प्रिटी गुड मैच. आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई दिस आउट गाइस. दिस इज सो वायरल ऑन द इंटरनेट एंड एवरी वन इज लविंग दिस फाउंडेशन. सो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई कर लेती हूँ. और इसका जो कैप है बहुत ही खूबसूरत सा कैप है, लेवेंडर लाइलैक काइंड ऑफ अ कलर. आई रियली लाइक द पैकेजिंग. देयर इज एम्बॉस इन देयर एंड दिस इज रिटेल फॉर आई थिंक 800 rupees. नो, दिस इज रिटेल फॉर 899 rupees एंड आई गॉट इट फॉर आई थिंक 800 rupees. मुझे 100 rupees का तो ऑफ मिला ही होगा. मैं इसका डिटेल रिव्यू शेयर करूंगी आप लोगों के साथ. अगर आपको देखना है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड आई हैव रियली हाई होप विद दिस प्रोडक्ट गाइज. आई एम गोना लेट यू गाइज नो वेदर आई लाइक इट और नॉट. नेक्स्ट जो मेरे पास है वो है दिस पॉन्स का फेस पाउडर. ओ माई गॉड, दे आर सो वायरल ऑन द इंटरनेट. एवरी वन इज लविंग दिस पाउडर. सो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको खरीदूँ और ट्राई करूँ और आप लोगों के लिए डिटेल रिव्यू दूँ. सो मैंने दोनों ही खरीद लिया, इस कॉम्बो में खरीदा है. और ये एक प्रोडक्ट 125 rupees में है, लेकिन मैंने ये बोथ प्रोडक्ट मैंने 200 rupees में लिया है. तो इसमें ऑफर था. रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राई दिस पिंक पाउडर. आई होप यू कैन सी, दिस इज अ रियली पिंक पाउडर गाइज. तो मुझे कब से पिंक पाउडर ट्राई करना था, लेकिन जो सारे पिंक पाउडर्स मार्केट पे अवेलेबल है हुडा ब्यूटी का, वो आई थिंक 3000 के आसपास होगा. देन पैक ने लॉन्च किया है पिंक पाउडर, दैट्स ऑल्सो 1100 और समथिंग लाइक दैट. तो बहुत ही एक्सपेंसिव है. तो देन पॉन्स ने लॉन्च कर दिया 125 में एंड आई एम लाइक थैंक यू पॉन्स फॉर लॉन्चिंग दिस पाउडर. I'm going to do a detailed review both on these products. Make sure you subscribe and also please make sure you follow me on Instagram. The next I have this Lakme Rose powder with sunscreen. Now this is the OG pink powder guys. But मैंने जो इसको खरीदा है ना वो बिल्कुल मेरे साथ ना स्कैम हो गया. मैंने इसका न्यूअर पैकेजिंग देखा था, नायका पे अपलोडेड किया था उन्होंने न्यू पैकेजिंग करके, ऐसा आता ना ओल्ड न्यू. तो मैंने सोचा इन लोगों ने पैकेजिंग चेंज करी, शायद फॉर्मूला भी कोई चेंज होगा. मुझे पैकेजिंग पता नहीं अब अच्छा नहीं लगता, बहुत ही ओल्ड लगता है. तो मैंने जब न्यू पैकेजिंग देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा. लेकिन मैंने ऑर्डर किया और उसका इसको ऑर्डर करने के पीछे और एक वजह है, क्योंकि मैं इसका चाहती थी कि पॉन्स की पिंक पाउडर के साथ इसका कंपेरिजन करूँ और आप लोगों को बताऊँ. तो मैंने इसलिए इसको ऑर्डर किया था, लेकिन ये पुराना पैकेजिंग में आ गया और मेरे पास ऑलरेडी पुराना पैकेजिंग का है और मैं इसको अपनी सिस्टर को दिया हुआ था. तो मेरे पास फिर से ये आ गया, क्या ही कर सकती हूँ अभी. ये इतना पिंक अभी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और ज़्यादा पिंक था पहले और अभी ये इतना ज़्यादा पिंक नहीं है. ये अभी इसका कलर अभी इससे मैच करता है. मुझे लगता है पता नहीं इन्होंने कलर चेंज कर दिया होगा. ये कलर तो थोड़ा सा और ज़्यादा पिंक था जितना मुझे याद है. डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो कि इसका कलर पहले थोड़ा सा और पिंक था. Am I right? अगर आपको चाहिए इस प्रोडक्ट के साथ इन दोनों का कंपैरिजन या फिर किसी एक का, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो. अदरवाइज मैंने क्यों खरीदा इसको. Next product I have this Insight Cosmetics
लिप एंड चिक टिंट इन द शेड यूनिकॉर्न स्प्रिंकल्स एंड मैंने इसका डिटेल्ड रिव्यू शेयर किया है अपने शॉर्ट्स पे और इंस्टाग्राम में एंड यू गाइस आर लविंग दैट शॉट. मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप लोग वो वीडियो इतना पसंद करोगे. सो यस, दिस इज द प्रोडक्ट एंड लुक एट द कलर. दिस इज इन द शेड 06 यूनिकॉर्न स्प्रिंकल्स एंड मैंने कभी भी पर्पल कलर का यू नो ब्लश या फिर कुछ यूज नहीं किया, ना ही पर्पल कलर का ब्लश, ना ही लिप एंड चिक टिंट, ना ही कोई लिपस्टिक. लेकिन आई रियली लाइक दिस वन. लेट्स अप्लाई लिटिल बिट ऑन द लिप्स. Look at this. This is looking so pretty on the lips as well. So I really like this lip and cheek tint by Inside Cosmetics. I'm gonna try more shades in the lip and cheek tint category. So let me know if you wanted to try me any other shade. If you have any recommendation, let me know. The next I have this Swiss Beauty Tint Me On Lip Balm. Now I wanted to try the 03 shade, but I didn't get the shade, so I ended up getting the 02. This is a very red in color. The pigmentation is amazing. It's got nice, you know, cooling sensation on the lips. I like the fragrance also. It's a peppermint kind of a fragrance. So all in all, I like the product, but I want a shade range. I want Swiss Beauty to extend the shade range. I want more nude. I want more pink nude, mauve nude, brown nude, every nude kind of a shade I want on this range. I really like the product. The next and the last makeup products I have also from Swiss Beauty. This one is my shine lipstick and this is their newest launch if I'm not wrong. So maine iska packaging bhi open nahi kiya hai. मैं इसका फर्स्ट स्वच जो है ना वो शॉर्ट्स पे डालना चाहती हूँ, तो मैं इसको अभी स्वच नहीं करूँगी. मैं बस आप लोगों को दिखा देती हूँ. दिस इज द पैकेजिंग एंड दिस इज ओके. दिस इज अ पेन लाइक पैकेजिंग. इसको आपको क्लिक करना पड़ेगा टू गेट द प्रोडक्ट आउट. आई होप दिस कलर सूट्स मी बिकॉज इट्स लुक्स लाइक अ वेरी न्यूड. इस लिपस्टिक को उतना ही बाहर निकालना जितना कि आप इसको यूज करोगे. पर अगर आपने इसको बाहर निकाल लिया ना फिर इसको अंदर नहीं डाल सकते हो. ओके, द नेक्स्ट प्रोडक्ट आई हैव अ बायोडर्मा. दिस इज द ऑटोडर्म क्रेम अल्ट्रा. नाउ आई हैव बीन एंजॉयिंग लविंग दिस मॉइस्चराइजर गाइस. दिस इज फॉर नॉर्मल टू ड्राई सेंसिटिव स्किन. आई एम अ वेरी वेरी ड्राई स्किन गर्ल एंड मुझे ये प्रोडक्ट इतना अच्छा लगा गाइस. आई कांट इवन टेल यू. आई can't stress it enough how beautiful this moisturizer is. Main isko after my serum I just lather it up on my skin and I feel so rejuvenated, so moisturized, nourished skin in the morning. Oh my god guys, I love this moisturizer. This is definitely a very very rich nourishing moisturizer, but this is very lightweight and it's almost feel like wet on the skin and it gives you that glass skin like effect. This is so very gel like. It just melts into the skin. Very wet kind of a moisturizer. It gives you the glow. I don't know what they put in this moisturizer guys. This is very nourishing, very moisturizing, but very lightweight and it's feel like wet. It gives you the glass skin effect guys. This is a beautiful moisturizer. Beautiful. Look at the glow and hydration. I wouldn't suggest this moisturizer for the oily skin girl. This will be a little heavy to them, but the normal to dry, to very dry skin girl, to sensitive skin girl, you will love this moisturizer. I'm gonna get more and more and more tubes of this moisturizer for sure. In the winter, this can be like savior. I love this moisturizer.
go and get this one. If you want any product in this haul, this is the one. Okay, we are on the last product. So this is the L'Oreal Extraordinary Nourishing Conditioner with 6 nutritive oils. Now this is, I think, my third or fourth bottle of this conditioner. I absolutely love this conditioner, guys. Love the shampoo also in the variant. I have a huge tub on this shampoo, so I have that on my bathroom. So mera just conditioner khatam ho gaya tha, to maine phir se stock up kar liya hai. No matter what shampoo and conditioner I use, I always go back to this, I know, 6 well conditioner and shampoo. So I have very very dry hair, and this is a very good product for dry, dehydrated, frizzy hair. I would not recommend this shampoo and conditioner who have very oily scalp and hair. So आप लोगों को ये वाला कंडीशनर और शैम्पू सूट नहीं करेगा, क्योंकि दिस इज़ वेरी नरिशिंग काइंड ऑफ शैम्पू एंड कंडीशनर. द विंटर आई जस्ट यूज दिस शैम्पू एंड कंडीशनर, आई लव इट गाइज. सो यस, दिस इज माई परचेज एंड that's all, and that's the wrap for this video. I really hope that you enjoy this sweet little kind of a haul from Anaika. I really hope that you enjoy this video, and also don't forget to click the notification bell so you guys get notified every single time I upload. And I will see you all in my next video. Till then, take care, bye bye.